नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्याज की आसमान छूती कीमतें आम लोगों को रुला रही है और इसकी कीमतों में इतनी वृद्धि हो चुकी है, 80 से 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और इसकी वजह से जायके के लिए सबसे ज़रूरी प्याज हमारी आपकी पहुंच से दूर है। तो एक तरफ प्याज की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं, हम और आप परेशान हैं, दूसरी तरफ प्याज को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और अब इस सियासी लड़ाई में जो प्याज को लेकर हो रही है, छिड़ी हुई है सियासी जंग प्याज को लेकर, उस सियासी जंग में पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव अब लोजपा कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर 35 रुपये किलो प्याज बेचेंगे। लोजपा कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर प्याज बेचने का निर्णय शायद उन्होंने इसलिए लिया होगा क्योंकि बीजेपी में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लोजपा के मंत्री हैं रामविलास पासवान, जिन पर महंगाई पर काबू करने की जिम्मेवारी है, लेकिन प्याज महंगा है, इस वजह से पप्पू यादव का गुस्सा है लोजपा पर और बीजेपी पर। तो आज लोजपा और बीजेपी कार्यालय के बाहर पप्पू यादव प्याज बेचने वाले हैं। पप्पू यादव के सियासी अंदाज और मिजाज से आप बखूबी वाकिफ हैं, किस तरह से आक्रामक होकर अपने सियासी दुश्मनों पर हमला करते हैं, सियासी मुद्दों पर अपना विरोध जताते हैं। पटना के जलजमाव में आपने देखा है किस तरह से पप्पू यादव लोगों तक राहत पहुंचाते रहे थे और राहत पहुंचाने के साथ साथ आम लोगों को लेकर, आम लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार पर आक्रामक हमले भी करते रहे थे। डेंगू का जब डेंगू ने कहर बरपाना शुरू किया तो उन्होंने, वे जेसीबी लेकर कूड़ा फेंकने के लिए निकल पड़े लोगों के बीच, जो मच्छर भगाने की मशीन होती है वो बांटा। तो इस तरह के काम पप्पू यादव करते रहते हैं और न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि मदद के साथ अपने आक्रामक अंदाज और मिजाज में सरकार पर निशाना भी साधते हैं। तो एक बार फिर पप्पू यादव सड़क पर होंगे, लोजपा कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर प्याज बेचने जा रहे हैं। तो प्याज को लेकर जो सियासत हो रही है, उस सियासत का सबसे दिलचस्प स्वरूप देखने को मिल सकता है, सबसे दिलचस्प अंदाज देखने को मिल सकता है जिन पार्टियों की सरकार है केंद्र में और जिन पार्टियों पर जिम्मेवारी है महंगाई रोकने की, उन पार्टियों के खिलाफ पप्पू यादव ने विरोध का अलग तरीका अपनाया है। उनके दफ्तरों के बाहर वो प्याज बेचने जा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।